हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टू ऑफ कप्स एंड मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत एक लविंग, केयरिंग, बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव सा एनवायरनमेंट रहता हुआ दिख रहा है। आपको किसी भी चीज की हेल्प या सपोर्ट की जरूरत है, आपके कुलीग्स, आपके कोवर्कर्स से आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपके किसी कुलीग, आपके किसी कोवर्कर को किसी हेल्प, किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप भी देते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली यू नो कैसे अपने कुलीग्स, अपने कोवर्कर्स के साथ अपने बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें, रिलेशनशिप बेटर करें, उस पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड देखिए, कहीं कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी इस वीक आपको अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में लेना पड़ रहा है, क्योंकि मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस के ऊपर टू ऑफ कप्स का कार्ड है। तो किसी कुलीग के बिहाफ पे या फिर किसी कुलीग से रिलेटेड या किसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड भी आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेने पड़ रही है। और कहीं देखिए, पीछे किसी भी चीज में अगर आप स्टक महसूस कर रहे थे तो कहीं इस वीक आप उन्हीं स्टक एनर्जी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट भी रहता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड इस वीक की एनर्जीज काफी बेहतर रहती हुई दिख रही हैं। अगेन देखिए, नटशेल में रिलेशनशिप्स आपके लिए अहम रहते हुए दिख रहे हैं और उसी पे ही आप फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए अगेन मैं कहूंगी इसी से ही रिलेटेड कोई मूवमेंट, कोई शिफ्ट रह रही है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो देखिए, दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं और दोनों ही कार्ड्स कहीं मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीजों की बात करते हैं, मनी, पैसे की बात करते हैं, जिससे रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का इश्यू रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि इतना कंफर्टेबल आप नहीं महसूस कर रहे हैं, कंफर्ट, लग्जरी से रिलेटेड एक डिसकंफर्ट रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है आपका ज्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कोई बड़ी चीज आप परचेज करना चाह रहे हैं, उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं, बजट से बाहर है। तो देखिए, इस तरीके की जो भी छोटी मोटी चीजें, पैसे, मनी, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वन या किसी खास इंसान के साथ कुछ डिस्कशंस, कुछ बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आप कोई गाइडेंस, सलाह, एडवाइस किसी से ले रहे हैं या फिर किसी को गाइडेंस, सलाह, एडवाइस दे रहे हैं। और जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, उनके लिए, कुछ लोगों के लिए, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड किसी पर्सन, थर्ड किसी चीज की वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यू रह रहा है। और ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कुछ के लिए आपका फैमिली मेंबर, कुछ के लिए आपके पार्टनर का फैमिली मेंबर, या अगेन कोई भी चीज, वर्क, प्रोफेशनल लाइफ भी एक यू नो थर्ड एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से इश्यूज चल रहे हैं। एंड यस, देखिए कहीं थोड़ा आप डिस्कशन ज्यादा चीजों को लेकर करते हुए दिख रहे हैं, बातचीत ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट में हो सकता है कि प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक चीजों को लेकर कुछ इश्यूज रह रहे हैं, या फिर से मैं कहूंगी मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीजों से रिलेटेड, उन्हीं से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड या मनी, पैसे से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए गिविंग रिसीविंग का कार्ड है। बहुत ही क्लियर मैसेज है इस कार्ड का
कि अगर आपको किसी भी हेल्प, किसी भी सपोर्ट की जरूरत है तो आप जरूर जिस भी इंसान को आप ट्रस्ट करते हैं उनसे लें, और अगर किसी को लव सपोर्ट या फिर किसी भी चीज की जरूरत है तो वो भी आप जरूर दें। कहीं अगेन एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में रहें, जो कि देखिए आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है लेकिन पर्सनल फ्रंट में उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इस चीज का आप ख्याल इस वीक एरीज रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विक्ट्री एंड सक्सेस, और बहुत ही क्लियरली विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम किसी भी चीज के लिए, या फिर पीछे जिस चीज को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, उसी से रिलेटेड मिलने की बात करता है। लेकिन साथ ही साथ देखिए कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत ज्यादा फिक्सेटेड किसी चीज को लेकर हो रहे हैं। हो सकता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या फिर जो भी आप कर रहे हैं आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत सेफ सिक्योर होके आप चीजों को डील करना चाह रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा रुकते हुए दिख रहे हैं। और इसके लिए देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो एक विक्ट्री सक्सेस किसी लेवल पे आपको मिल रही है आप उसको पहले अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस विक्ट्री सक्सेस की वजह से या अदरवाइज भी आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब बहुत इंपॉर्टेंट है संभल के आगे चलना, अब आप कोई भी रिस्क, अगेन कोई भी चांस नहीं ले सकते हैं। तो जो भी हो देखिए मैं आपको यही कहूंगी टॉरस कि सोच समझ के आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम टू मच ऐसी एनर्जीज में होते हैं तब कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हम मिस करते हैं। जब तक हम एक कैलकुलेटेड रिस्क अपनी लाइफ में नहीं लेते हैं तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। देखिए जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं रिस्क होता है कि सड़क में एक्सीडेंट हो सकता है, हम गिर सकते हैं, और रोज हम ये रिस्क लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने ये रिस्क नहीं लिया तो हमारी लाइफ बिल्कुल बंद हो जाएगी, बिल्कुल ही हमारी लाइफ में कुछ रहेगा नहीं। तो इसी तरीके से देखिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सोचे ना, आप सेफ सिक्योर होके ना चलें, डेफिनेटली आपको सिक्योर होके ही आगे बढ़ना है, लेकिन इन द प्रोसेस आप ओवर कॉशियस, ओवर कॉन्शियस या फिर ओवर ही सिक्योरिटी पे ना फोकस करें कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस करें और बाद में रिग्रेट करें। तो इस चीज का आप ख्याल जरूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड हार्मनी, और देखिए हार्मनी का कार्ड सबसे पहली चीज रिलेशनशिप से रिलेटेड एक ब्यूटीफुल एनर्जीज के रहने की बात करता है, एक सुकून, एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी किसी लेवल पे महसूस करने की, चाहने की या होने की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर पीछे किसी लव्ड वन के साथ कोई इशू, कोई मसला चल रहा था वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, और अगर रिलेशनशिप पहले से ही अच्छा था तो और बेटर होता हुआ दिख रहा है, और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी बहुत जबरदस्त एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के लिए टॉरस इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में रह रहा है, जहां पे आप बहुत assertively, बहुत confidently जो भी आप चाह रहे हैं उसी से related action initiatives ले रहे हैं। बहुत जबरदस्त focus आपका आपके goal के ऊपर रहता हुआ दिख रहा है, again उसी से ही related आप action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन in the process Taurus या तो आप थोड़ा सा manipulative हो रहे हैं, diplomatically चीजों को deal कर रहे हैं, या फिर आपके आसपास जो भी आपके loved ones हैं, क्लोज वंस हैं, वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चीजों को डील कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ही सिनारियो में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं तो थोड़ी सी चेकिंग करें आपके इंटेंशंस, आपके मोटिव्स ठीक हैं, और अगर लोग मैनिपुलेटिव हो रहे हैं
तो उनके लिए भी जरूर आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि उनके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक हैं या नहीं हैं। और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, हेल्दी मैनिपुलेशन कभी रिक्वायर्ड भी होती है। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, तो उस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड अगर आपको लगे कि सामने वाले के इंटेंशंस मोटिव्स ठीक नहीं हैं, तो आप थोड़े से कॉन्शियस थोड़े से कॉशियस इस वीक जरूर रहें। और ओवरऑल कहीं मैजिशियन एक अलर्ट, एक अवेयरनेस वाली एनर्जीज की बात करता है, जो कि इस वीक आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही है। और जो भी टॉरस को लगे कि थोड़ा सा भी ऐसी एनर्जीज में नहीं है, तो जरूर इस चीज को चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बिकॉन्स का कार्ड है। और देखिए, ये गाइडेंस ज़्यादा मुझे आपके पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। और मैंने आपको कहा भी था अभी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही सेफ होके चलेंगे, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। तो गाइडेंस भी आपको इसी चीज़ के ऊपर अटेंशन देने की बात कर रही है, तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड डिस्ट्रप्शन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके से एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस आप महसूस कर रहे हैं, और इसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी डीपर लेवल के लिए एक डिस्टर्बिंग, एक अपसेटिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि टूटा हुआ, बिखरा हुआ मन ही मन किसी चीज़ को लेकर, या फिर से मैं कहूँगी इन जनरल आप महसूस कर रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं या तो जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं, कहीं किसी तरीके की अगेन एक चीटिंग सी आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से आपने बनाया, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, और इस वीक कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ टूट रही है। और कहीं देखिए, जो भी हो रहा है, आप अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और जब भी जेमिनीज हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं, टेम्प्ररी तो हम ठीक फील कर लेते हैं, लेकिन बैक एंड पे एक परेशानी सी बनी रहती है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से हम चीज़ों को इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा आप भी पाएं जहाँ पे आप अगेन एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में हैं, चीज़ों से, सिचुएशन से, लोगों से, या किसी भी चीज़ से बच रहे हैं, अपफ्रंट होके नहीं फेस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। कुछ जेमिनीज की हो सकता है कि थोड़ी सी मैनिपुलेटिव सी एनर्जीज हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनकी कहीं मैनिपुलेटिव सी एनर्जीज हैं, वो डिप्लोमेटिकली आपके साथ चल रहे हैं। दोनों ही सिनारियों में अगर इंटेंशंस मोटिव्स ठीक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगे जेमिनीज कि आपके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक नहीं हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और अगर आपको लगे कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। ब्लाइंड ट्रस्ट या ब्लाइंड फेथ किसी पे भी इस वीक आप ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड मेमोरीज ऑफ लव। और देखिए, एक कार्ड कहीं पास्ट की बात करता है और दूसरा कार्ड कहीं फ्यूचर की बात करता है। तो या तो पास्ट की किसी चीज़ में आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ पास्ट से याद आ रही है, या फिर करंट सिचुएशन में कोई पास से इंसान आ रहा है जिसके ऊपर आप फोकस करना चाह रहे हैं, या फिर उसी से ही रिलेटेड आप फ्यूचर की एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। एक अकेला
अकेलापन जेमिनीज पर्सनल फ्रंट में इस वीक आप महसूस कर सकते हैं, और कहीं देखिए किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी रहता हुआ दिख रहा है। ये सबके लिए डिफर करेगा, कुछ के लिए सही समय का हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हों, किसी के लिए कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका इंतज़ार है, और डीपर लेवल के लिए पुरानी कोई चीज़, कोई इंसान, कोई सिचुएशन आपको बहुत याद आ रही है या फिर आप उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, देखिए आप फ्यूचर की प्लानिंग करें, डेफिनेटली हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आप टू मच फ्यूचर या फिर टू मच पास्ट में ना रहें, और कहीं इन द प्रोसेस आप प्रेजेंट मोमेंट को ना इग्नोर करें, क्योंकि देखिए हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट मोमेंट पे डिपेंड करता है। जो हम आज कर रहे हैं ना, वही हमारा फ्यूचर बना रहा है, और पास्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, जो भी हमसे मिस्टेक्स हुई, जो भी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई या फेलियर हुए, उनसे हमें क्या सीख मिली, उनसे हमारे लिए क्या लर्निंग रही, उसको हम लें और आगे बढ़ें। तो देखिए इस चीज़ का आप ख्याल रखें, अगेन पास्ट आपको सिर्फ हेल्प करना चाहिए आपकी मिस्टेक्स को लर्न करने के लिए, और फ्यूचर आपको प्लान करना है, लेकिन आपको प्रेजेंट मोमेंट को भी पूरी तरीके से इन्जॉय करना है। और अगर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर एफर्ट करके आप थोड़ा सा सोशलाइज करें, जो भी आपका खास लव्ड वन है या फिर इन जनरल फ्रेंड सर्कल है, उनसे आप ज़रूर कनेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फाइन बैलेंस का कार्ड है। बहुत क्लियरली कार्ड कह रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, ज़रूरत से कम कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज, ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड सॉलिट्यूड। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड एक हर्ट, एक किसी लेवल पे तकलीफ, एक किसी लेवल पे परेशानी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे आपने इस वीक को प्लान किया वैसे चीज़ें नहीं जा रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से एक सपोर्ट, एक कोऑपरेशन की आपको उम्मीद थी, उनसे वो सपोर्ट, वो कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। और देखिए अनलिमिटेड रीजंस हो सकते हैं, जो दो मेरे माइंड में आए मैंने कहा। ओवरऑल के लिए अगेन ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं आप 100% अपने प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं फील कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस, एक किसी भी लेवल पे चीटिंग भी आप महसूस कर रहे हैं, और इन चीज़ों को सुन के कैंसेरियंस आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, कहीं उन छोटी मोटी सी चीज़ें या फिर अदरवाइज भी कोई चीज़ आपको परेशान करती हुई दिख रही है, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक डीप थिंकिंग में जा रहे हैं, कैसे इन चीज़ों को ठीक करें, कैसे चीज़ों को बेटर करें, कैसे जो आप चाहते हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में उनको अचीव करें। और देखिए जैसे कि आई डोंट नो आप इस कार्ड को इतना देख पा रहे हैं, इसमें जो फिगर है वो अपने सामने बुक लेकर बैठी हुई हैं, तो लिटरली यू नो आप रिसर्च कर रहे हैं और नॉलेज गेन कर रहे हैं, और ज़्यादा एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रह रहे हैं इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए। और अगर ऐसा आप कंसीडर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ये हो नहीं सकता कि हमेशा ही हमें सक्सेस मिले। सक्सेस एंड फेलियर आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे बोलते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और जब हम फेलियर या किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, तो हम कहीं उस परेशानी को बहुत ज़्यादा बड़ा करते हैं, लेकिन जब हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कैसे अब हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं,
कैसे हम इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं, यानी कि हम प्रॉब्लम पे नहीं और सल्यूशन पे फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली हमें सल्यूशन मिलता है और जो भी चीज़ें हमें परेशान कर रही होती हैं उनके पास उतनी पावर ही नहीं रहती कि वो हमें बियॉन्ड द पॉइंट परेशान कर पाएँ और हम अगेन मैं कहूँगी बेटर फील करते हैं या बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशान नहीं होते हैं। तो ऐसी एनर्जीज में कैंसेरियंस आप रहते हुए दिख रहे हैं, जो कैंसेरियंस ऐसी एनर्जीज में नहीं है उनके लिए मैसेज है कि इस वीक इस चीज़ का आप ख्याल रखें, खासकर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं चैरियट रिवर्स एंड स्पिरिचुअल यूनियन। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कार्ड मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है, क्योंकि इस वीक ये कार्ड रिवर्स है तो इसी से ही रिलेटेड ब्रॉडर लेवल के लिए इश्यूज मसले रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और सबके लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं, लेकिन द चैरियट के नीचे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड रिलेशनशिप से रिलेटेड या किसी खास रिलेशनशिप से रिलेटेड ये मूवमेंट चाहने की या फिर इस मूवमेंट के होने की बात करता है। और कहीं देखिए, आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, सबके लिए मूवमेंट डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने किसी लव्ड वन को आप अपने साथ लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप से ही इस वीक मूव ऑन करना चाह रहे हैं। एक चीज़ का ख्याल रखें, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी रिलेशनशिप से परमानेंटली आगे रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। इस वीक हो सकता है कि आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, आप इतना ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी लेवल पे आप अगेन मैं कहूँगी एक मूवमेंट चाह रहे हैं जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर कॉन्फिडेंस कम रह रहा है। और ब्रॉडली स्पीकिंग देखिए, एक स्टक एनर्जीज भी रह सकती हैं, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी आगे बढ़ना चाह रहे हैं नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपके व्हीकल से रिलेटेड कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आप विद इन द सिटी या आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं और ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इशूज़, कुछ मसले हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है सिंपली आपकी ट्रेन, आपकी फ्लाइट डिले हो रही है, या फिर से मैं कहूँगी कोई भी मसला, कोई भी डिले, कोई भी पोस्टपोनमेंट ट्रैवल से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड या मूवमेंट से रिलेटेड इस वीक रह रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए जस्ट ब्रीथ का कार्ड है। बहुत क्लियर मैसेज है कि थोड़ा सा आप कैसे अपने आप को रिलैक्स करें, कैसे अपने मन को शांत करें, कैसे अपने आप को अगेन कैसे आप रिजुविनेट करें, अपनी एनर्जीज को उसके ऊपर फोकस करें। तो नटशेल में ये कार्ड कहता है कि कुछ भी ना करें। मेरे पास कितनी बारी लोग आते हैं, कहते हैं मैम अब हम इस सिचुएशन में क्या करें, और मैं उनको यही बोलती हूँ कि जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिना सोचे समझे हाथ पैर मारते रहें, और ये बिना सोचे समझे अंधेरे में हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। जस्ट रिलैक्स, चिल, नहीं समझ में आ रहा बैठ जाओ, थोड़ी देर शांति से अपने मन को शांत करो, जो इतने सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं उनको शांत करो। जब वो शांत हो जाएंगे ना, अपने आप डायरेक्शन दिख जाएगी, अपने आप आपको क्लैरिटी आ जाएगी, और तब जब आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप जो चाहते हैं उसको अचीव भी कर लेंगे। ऐसे जब माइंड में बहुत हौच पौच हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, तब मत बिना सोचे समझे कुछ भी करें। और यहाँ पे कार्ड भी आपको यही कह रहा है, जस्ट ब्रीथ, जस्ट रिलैक्स, सरेंडर, हैव फेथ इन योरसेल्फ, इन द यूनिवर्स, इन द गॉड यू बिलीव, और लेट गो कर दो हर चीज़ को इस वीक के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मर्कुरी ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।